हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज़ की बात करें तो स्कूल रीओपनिंग को लेकर 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर। मैं आपको पूरा एग्जाम के साथ यानी कैलकुलेट के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो उस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। पूरी कैलकुलेशन विद द एग्जाम्पल आपको पूरी लाइव आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल रीओपनिंग को लेकर सबसे बड़ी अपडेट की। कल एचआरडी मिस्टर मीडिया से इंटरेक्ट हुए थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि देश भर में बच्चों का पढ़ाई का लॉस हो रहा है तो ऐसे में स्कूल कब ओपन होंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एचआरडी मिस्टर ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें स्कूल रीओपनिंग को लेकर बताऊंगा। एचआरडी मिस्टर ने यह कहा कि देश भर में स्कूल कब ओपन होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से देश में कंडीशन है ऐसे में देश में स्कूलों को ओपन करना खतरों से खाली नहीं रहेगा। ऐसे में स्कूल रीओपनिंग को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम इसके बारे में गृह मंत्रालय से बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कि स्कूल आपका जुलाई में ही ओपन हो जाएंगे या आपके अगस्त में ओपन हो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जुलाई अगस्त तक भी आपके स्कूल बंद रह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जुलाई अगस्त तक भी मोस्ट आपके स्कूल बंद रह सकते हैं। इसी बीच में आपको कुछ बड़ी बातें आपको बताता हूं कि दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 31 जुलाई तक अपने दिल्ली के सभी स्कूलों को, 10वीं 12वीं के स्कूलों सहित सभी स्कूलों को उन्होंने बंद करने का। इसी बीच देश के सबसे बड़े IIT बॉम्बे, मद्रास सहित IIT इंस्टीट्यूट ने यह फैसला किया कि इस साल तक वो कोई भी फिजिकली क्लासेस को नहीं कराएंगे। ये सारे संकेत हैं कि देश में जिस तरीके से कंडीशंस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्लासेस को ओपन करना यानी कि स्कूल रीओपन करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में स्कूल की जो यानी कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जो ओनली फॉर जो जरिया बनता है वो ऑनलाइन ही होगा, जैसे कि एचआरडी मिस्टर बार बार कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं मार्क्स कैलकुलेटिंग को लेकर, क्योंकि आप लोग के काफी सारे सवाल थे तो मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के सारे यानी प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। सपोज डेट आपने 3 से ज्यादा यानी कि आपने 4 या 5 पेपर आप दे चुके थे, आपका 1 पेपर या 2 पेपर आपका रह रहा है, तो ऐसे में एक मान ली एग्जाम्पल यानी प्रैक्टिकली मान लेते हैं कि आपने इंग्लिश का पेपर दिया जिसमें आपके 96 मार्क्स आए, फिजिक्स का पेपर दिया आपने उसमें 89 मार्क्स आए, मैथ का पेपर आपने दिया उसमें 94 मार्क्स आए। इसी तरीके से आपने अगर 4 दिए हैं तो आपका 4 सब्जेक्ट के 4 मार्क्स आए, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपने दिए हैं तो 5 पेपरों में अलग अलग मार्क्स आए। तो बात करते हैं आपके मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। तो देखिए, सपोज डेट मानते हैं कि आपने 5 पेपर दिया तो 5 पेपर में सब में एक सब्जेक्ट में मार्क्स रहा होगा, तो उनमें जो 3 सब्जेक्ट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स होगा, जैसे मानते हैं कि इंग्लिश में आपका 96 है, फिजिक्स में आपका 89 था और मैथ में आपके 94 है, तो इन तीनों सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगे उन मार्क्स को लिया जाएगा। इनका एवरेज जैसे कि इनका एवरेज निकाला जाए तो 93 मार्क्स आता है। तो यानी कि अगर आपका एक सब्जेक्ट का पेपर छूट रहा है यानी कि आपके इन सभी तीनों सब्जेक्ट का एवरेजिंग के मार्क्स देखा जाए तो आपका 93 आता है, यानी एक सब्जेक्ट आपका जो भी छूटा हो, जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर आपका केमिस्ट्री का पेपर इसमें छूट गया था तो आपका केमिस्ट्री में आपको 93 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एवरेजिंग किया जाएगा और इसी आधार पे सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स कैलकुलेटिंग को लेकर कोई भी सवाल नहीं रहे होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई यानी कि एक पर्टिकुलर वीडियोज के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।